वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल क्विक तरीके से मटर पुलाव। इसमें मैंने 1 ऑनियन चॉप अपने मस्टर्ड ऑयल में यूज़ किया है, और जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता हम इसको ऐसे ही फ्राई किया है। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 2 टमाटोज, और ये हमने अपना जो हमारा सौंफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट है उसको हमने डाल दिया है, और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे मसाले को। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें अपनी एक ग्रीन चिलीज डाल देंगे, जिसमें मैंने 8 के करीब ग्रीन चिलीज ली हैं। आप चाहें तो और भी या कम ले सकती हैं। और इसी के साथ 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल देंगे, जिससे कि जो हमारे टमाटर हैं अच्छे से गल जाएं। और ये मैंने 1 बाउल अपने मटर लिए हैं, और ये इसी के साथ हमने लिए हैं 1 बाउल पोटैटोज़। आप चाहें तो पोटैटोज़ को स्किप भी कर सकते हैं, बट मटर पुलाव में पोटैटोज़ बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने इसमें 1 बाउल पोटैटोज़ का यूज़ किया है। और अब हम मटर और आलू को अच्छे से भूनेंगे, और इसी के साथ हमने 1 टेबल स्पून करीब और सॉल्ट डाल दिया है। और आप चाहें तो टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो अच्छे से पीज और पोटैटोज़ हो चुके हैं, ये मैंने 2 ग्लास राइस लिए हैं, कच्चे राइस, जिनको इंस्टेंट एकदम वॉश करके डाल दिया जाता है, और इन्हें भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। मैंने वो वाले राइस का यूज़ किया है, और ये मैंने इसमें अच्छे से डालकर चला दिए हैं। और इसी के साथ मैं इसमें 4 ग्लास वाटर का यूज़ करूँगी, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे 2 ग्लास चावल का यूज़ किया है। और इसी के साथ मैंने इसमें अपने 4 ग्लास वाटर का यूज़ किया है, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे 2 ग्लास के करीब चावल लिए हैं, और जो चावल है इनको कच्चा बासमती राइस बोलते हैं, जिनको क्विक साफ करके और धो के तुरंत आप यूज़ में ला सकते हो। अब हम इसमें 2 सीटियां लगाएंगे फ्रेंड्स, जब तक हम अच्छे से इसको 2 सीटियां लगाएंगे, और उसी के बाद हमें इसके प्रेशर आने तक इसको हमें खोलना नहीं है, जब तक कि इसका खुद का प्रेशर ऑफ ना हो जाए, तभी हमें ढक्कन को ऑफ ऑन करना है। पूरी इस तरह से हमें पूरी विसल लगानी है, तभी हमारे चावल अच्छे से कुक होंगे। गैस का फ्लेम हाई रहने दें। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 2 सीटी आने के बाद हमारे जो चावल हैं बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं, और एकदम खिले खिले हमारे राइस बनकर रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको राइस अच्छे लगे हैं मटर पुलाव, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, टेक केयर।